लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुंबई एक ऐसा स्टेशन जहां कोई भी मुसाफिर कभी अकेले नहीं उतरता, उसके साथ कोई ना कोई सपना जरूर उतरता है। कुछ उसके साथ धक्के खाते हैं और कुछ शहर की भीड़ में कहीं खो जाते हैं। ये चारों भी कुछ ऐसे ही सपने लिए इस प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं। अब आगे पाना है या खोना है ये तो अभी होना है, लेकिन इसके पहले क्या हुआ है वो आपको बताना है। जब तुम लोग जानते हो कि ताश और मेरा बचपन का रिश्ता है, फिर भी रोज रोज हारने पता नहीं क्या चले आते हो। चल काट। शाबाश। लगता है मेरे नसीब में सिर्फ काजू ही है। ये मेरी एक 10 की चाल। 10 की? चल 20 की। अरे भाई 1 किलो चावल देना। अभी दुकान बंद है, बाद में आना। 1 मिनट। अरे भाई 2 किलो गेहूं देना। अरे कहा ना अभी दुकान बंद है, बात समझ में नहीं आती क्या? बापू मोटे भाग। ओए मोटे भागता कैसा है? ओए ओए बता तू का भाग रहा है मेरी दुकान में? फिर जुआ खेलना शुरू कर दिया तुमने? अरे छोड़ो वाली तुम्हें। ओए ओए भागता का बाबू। ओए बेशरम, 2 दिन दुकान के तेरे हवाले कर गया तूने, इसे जुए का अड्डा बना दिया। ओए जिस राशन की दुकान ने तेनू खिला खिला के इतना बड़ा खोता करता है, उसी पे ताला लगा के तू जुए का अड्डा बनाना चाहता है? बस बापू बहुत हो गया, मेरी भी कोई इज्जत है। ओए जा, तेरी इज्जत है? 2 रुपए कमाने की औकात नहीं है और इज्जत की बात करता है? ओए जुआ खेलना जा, तेरी जिंदगी का मकसद है ना तो चल निकल जा यहाँ से। हाँ चला जाऊंगा, मुझे भी कोई शौक नहीं है दुकान पे बैठने का। ये आप क्या कर रहे हैं? ओए तू चुप कर। अरे जवान बेटे को कोई... चुप, संभालिए आप अपनी दुकान, मैं जा रहा हूँ। ओ जा ना। हाँ चला जाऊंगा।
बालक, तुम्हारे माथे की रेखा बता रही है कि शुक्रवार और रविवार के बीच में जो शनिवार है वो तेरी जिंदगी में एक ऐसा आदमी लाएगा जो तेरे मंगल पे भारी पड़ेगा और वो जरूर आएगा। अरे भाई, दूल्हा कहाँ है? अरे मंगनी में इतनी देर लगाएगा तो शादी में क्या करेगा? मैं भी आई। भाई नेक काम में देन। जय कहाँ है? बुलाइए उसे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं देखता हूँ, एक्सक्यूज मी। जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? वहाँ सब अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मंगनी में, और तुम ये उसी लड़की की तस्वीर के सामने मुंह लटकाए बैठे हो। बेटे मैं कहता हूँ इसे भूल जाओ। ये जब से मुंबई गई है इसने एक बार भी तुम्हें याद किया है? कोई चिट्ठी लिखी, कोई टेलीफोन किया, और तुम हो कि बस उसी के पीछे? बेटे जल्दी से अपना हुलिया सुधारो और अंदर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटे? अति उत्तम। बालक, तुम्हारे माथे की रेखाएं सुख और यश का अंदेशा देती हैं, परंतु तुम भी उस एक मनुष्य से सावधान रहना। ये चेहरे पड़ता है, मुझे देखकर भी कुछ ऐसा ही बड़बड़ा रहा था। इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। हाँ बॉबी बोल रहा हूँ यार, फ्लाइट मिस हो गई, अभी अभी ट्रेन पे चढ़ा हूँ। हाँ कल सुबह 9 से 6 तक शाहरुख के साथ शूटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद रात को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए जाना। क्या बिपाशा ने डेट दे दी? अरे तुझे पता है मैं संडे शूटिंग नहीं करता हूँ, तू समझा ना। बाय। हाथ साफ है? क्या हाथ साफ है? हाँ क्यों? तू मिला ना। आए द बॉबी। लकी स्टाइल अच्छा। सुबह सुबह अखबार में क्या पढ़ा जा रहा? नौकरी तो तू ढूंढेगा नहीं, और लॉटरी मेरी उसी दिन लग गई थी जब मेरे यहाँ जन्म लिया था। तो क्या करो, जब से वो शुक्ला आपके 1,00,000 रुपए लेके भागा है मेरी तो नाक ही कट गई है। अरे कहीं उठने बैठने के लायक नहीं रहा। अच्छा तो मुंबई जाकर उस शुक्ला से पैसे क्यों नहीं ले आता? तेरे कहने पर दिए थे ना मैंने पैसे। अच्छा वो मेरी गलती है। फिर से बहस शुरू हो गई तुम दोनों की। देखो ना माँ, ये यहाँ बैठा बैठा मक्खियाँ मार रहा है, लेकिन मुंबई जाकर उस शुक्ला से मेरे पैसे ले आने को तैयार नहीं। मुझे नहीं जाना मुंबई शुम्बई, अभी से कह देता हूँ। तू क्या, तेरा बाप भी जाएगा? हाँ तो जाइए ना, मैंने कब मना किया? देख ओमी। ओमी चला जाना बेटे, पैसे वापस लाकर इनका मुंह बंद कर दे। माँ ये क्या कह रही हो तुम, जरा सोचो मैं मुंबई जाके कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा। बहाने मत बना, तेरे रहने खाने पहनने के पैसे मैं दूंगा, लेकिन मुंबई तू जाएगा। ठीक है आप कहते हैं तो चला जाता हूं मुंबई। ए चलो, यही है वो शनिचर का शनि। खाएगा? क्यों नहीं यार। कट। बाटिए बाटिए। लीजिए लीजिए। अरे जय,
खेलना यार, क्या सोच रहा है? बस यार, मुंबई पहुंचते ही शालिनी से मिलने का इंतजार। अरे यार, ये प्यार मोहब्बत की बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। अरे क्या बात कर रहा हूँ, इस दुनिया में अगर प्यार नहीं मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबूजी, बचपन से ही हीरो बनने का शौक था क्या? अरे क्या करता यार, मजबूरी थी, भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल जो दी है। बॉबी, तेरे पिताजी को इससे कभी कोई एतराज नहीं हुआ क्या? पिताजी को यार, वो तो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि एक दिन मेरा बेटा अमिताभ बच्चन बनेगा। हैं? तो क्या अमिताभ बनाए कहे? धन्नो धन्नो, अरे जरा देख तमाशा, हम तो कि पहले ही कहा था कि लगन के बाद अमिताभ की फिल्म मत देख, मत देख, पर तोहरे कान पर तो जूता करेंगी। और तू, तू तो पैदा होते से ही कहने लगा कि मोरा बाप चोर है। पिताजी, आपको अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान का फ्यूचर आपके सामने खड़ा है। इस देश को मेरी कितनी जरूरत है। इस तबेले को भी तोहरी बहुत जरूरत है रे। 200 भैंसों ने 2 दिन से दूध नहीं दिया और तोहरे माथे पर शिकन तक नहीं है। सारे गांव में गिल्ली डंडा खेलत रहा, क्रिकेट क्रिकेट, हाँ वही ससुरा क्रिकेट, और ये अंग्रेजी कपड़ा पहन के घूमत रहा। जकुट है जकुट, इका हाथ, हाथ गायब है हाथ, और वो अपना नाम बद्रीनाथ हमने इतना अच्छा रखा था, उका छोड़ के वो लौंडिया का नाम रख लिया, बाबी बाबी बॉबी, हाँ वही बाबी। अब तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले मुन्ना, तू शहर नहीं जा सकत ना। लेकिन पिताजी, हम बोल दिया बस। कहाँ खो गया भाई, शॉट रेडी है क्या? हाँ बिल्कुल रेडी है सर, बस ऐश्वर्या जी आ जाए फिर आपको सेट पे बुलाते। मैं जरा हीरो। अरे ए जय, वो तेरी वो शालिनी है ना, हाँ। उसको फोन लगाना, बोल के तू आ रहा है। नहीं यार। क्यों? मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। तू भी ना यार, चल नंबर बोल जल्दी। हाँ बोल बोल। वाह बेटा, हाथ में खेलो ना, और खेल हमसे रहा था। अबे ये एक्टर जरूर बनेगा। ए ओमी, हाँ? एक बात बता, इतने बड़े शहर में शुक्ला कहाँ मिलेगा? अरे मिलेगा क्या, उसका बाप भी मिलेगा, क्योंकि बॉबी उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। अरे यार, मेरे पास हर चीज के लिए एक प्लान होता है। वैसे जय यार, तू मुंबई में रहेगा कहाँ? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मुंबई में, जग्गी, यारों का यार है। अच्छा, करता क्या है तेरा वो जग्गी? पहले तो लेडी सेलर था, लेकिन अब शायद पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में है। हाँ। किसी ग्रांड रोड में कोई कांग्रेस हाउस है, वो वहाँ रहता है। और तू कहाँ रह रहा है? मैं एक्चुअली, मेरा भी एक दोस्त है जिसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त मुंबई में रहता है। और लकी तू? हाँ, मेरा भी एक दोस्त है जिसका बहुत अच्छा दोस्त मुंबई में रहता है। क्या तुम दोनों ने अपने दोस्त को बता दिया कि तुम उसके दोस्त के साथ रहने वाले हो? हाँ, वो तुझे अभी तो बताया दोस्त। अरे यार, वो जगी तेरा इतना अच्छा दोस्त है, तेरे अच्छे दोस्तों को मना थोड़ी करेगा, क्यों है ना बाबे? हाँ बिल्कुल, और मैं तो अपने चाचा के घर में रहने वाला हूँ, बचपन से उनका लाडला हूँ। बॉबी यार, गिर जाएगा ग्लास तू। अरे कोई इसको, जय चलना यार, अपनी प्यास तो बुझा। नहीं बुझी तो? तुझे शालिनी नहीं मिली तो? ए, अगर तुझे शुक्ला नहीं मिला तो? अरे ये बॉबी एक्टर नहीं बना तो? La 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 la
आने वाला पल वो आ रहा है, माना अभी है राह में, मंजिल है लेकिन निगाहों में, हे, 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 माना अभी है राह में, मंजिल है लेकिन निगाहों में, कल के सपने हैं आँखों में, फूल महकते हैं सांसों में, कहता है एक दिन तो आएगी बहार, अरे सुनो सुनो, इससे बच के रहना। अरे भाई साहब, ये ग्रांट रोड कहाँ है? वहां से टैक्सी पकड़ो और सीधा जाओ। थैंक यू। मैं आईनी के ग्रांट रोड। ग्रांट रोड ए ड्राइवर, चल ग्रांट रोड। ग्रांट रोड क्यों, पहले कभी गया नहीं है क्या? गया ना साहब। हाँ तो चल ना। बड़ो, आता हूँ। बहुत गर्मी मुंबई में। मुंबई शहर है भाई। ए, तेरी चालनी। जय। छोड़ना यार। ए, रोक 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 रोक, क्या हुआ? नारियल पानी वाला। हाँ यार पीते। बस तुम लोग पियोगे ना? हाँ हाँ बस चार पानी देना यार। जी आ जाओ अभी। मलाई वाला का शहर है यार। बड़ा वाला। अरे थैंक यू भाई, एक अच्छा मलाई। क्या कर रहे हो? छोड़ छोड़। क्या रे चिकनी, कैसा है रे? माल पानी निकाल देना, भगवान तेरा भला करे। क्या रे? एक में लाख है, एक में खाक है, लगी 20-20 की, बता किस पर। चला 20 रुपए। हाँ क्या लुट गई तेरे चक्कर में? कमाल है यार। शाबाश। फिर से कर। फिर से ये ले, बता किसमें। हाय हाय चमेली तो हारे रे चांदनी। हाय हाय बर्बाद हो गई मैं तो, फिर से लुट गई लुटेरा। फिर से करूं? नहीं मांगता, बस बहुत हो गया तेरा नाटक। और रेशमा चांदनी चलो आजमा ले अपनी किस्मत। नहीं मांगता, बस बहुत हो गया तेरा नाटक। चिकनी ने सारी लगी ना। लकी यार, इसलिए तो मुंबई आया हूं। लकी तेरे हमेशा जीतने का राज क्या? चल भाई क्या करूं, लकी की लकी ऐसी है यार। अब सीधा ग्रैंड रोड। अरे यार फिर वही सिग्नल आ गया, रोज इसी सिग्नल पे फंसते हैं, है ना? हाँ साहब, मुंबई का यही प्रॉब्लम। अजय तूने तो बोला था कि जग्गी का घर स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हाँ यार, और हम लोग पिछले 3 घंटे से घूम रहे हैं। अब कहा तो उसने यही था यार। ए, चालनी जनरल स्टोर तो पीछे आया था, वापस कैसे आया? देखो वो देखो। अरे साहब, आपके ये दोस्त मुंबई में नए हैं क्या? यहाँ तो हर सिग्नल पे एक शालिनी जनरल स्टोर आता है, आपको तो पता होगा ना? हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है। तुम सामने देख के गाड़ी चलाओ। हाँ साहब। अरे चिंता मत करो यारो, हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं।
जगी ने यही ड्रेस दिया था ना? हाँ, बोला तो ग्रांट रोड ही था यार। दो साहब, आ गया आपका कांग्रेस हाउस। हाँ, बराबर है, बराबर है। बोल भाई, कितना हुआ? 300 रुपया साहब। क्या? ए, हम लोग का रोज का यहाँ आना जाना है। स्टेशन से यहाँ तक 250 से ज्यादा नहीं होता। हाँ ठीक है साहब, दे दो दे दो। ये ले। सलाम साहब। ए चिकने, इधर आ। बहन जी, जरा बताएंगी कि जग्गी कहाँ मिलेगा? अरे जग्गी की क्या जरूरत है, उसके बिना भी तुमको मिलेगा। तुम चारों को भी उसको देना पड़ेगा और मेरे को भी, यहाँ आपस में लेन देन कर लेते हैं ना। अच्छा आंटी, ये लेन देन का क्या चक्कर है? देना कितना पड़ेगा? अरे चलना। अरे क्या हुआ? ये लकी, वो देख। अबे देख के चलो। किधर है वहाँ जगह यार? ऊपर चढ़ाएगा क्या? अबे बाप की सड़क समझी है क्या? अरे जय तू। ए जग्गी, क्या हाल है यार, कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। आपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये है मेरे दोस्त, हाय द बॉबी। और ये जग्गी, मेरा यार। जग्गी, 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 हाय। हाय ओमी। हाय जग्गी। लकी। ओए जग्गी, ये सब क्या है यार, इतनी बड़ी गाड़ी? हाँ तू क्या से क्या हो गया यार? यार वो मैं, अरे तू क्या है यार? जग्गी ये क्या बोल रहा है? क्या तू? मैं बताता हूँ। अरे कब से मेरे खुद के दो हाथ पकड़ के बैठा हूँ, कहाँ है तेरी नरिया? अरे सेठ, कार में है एसी, आ रही होगी ग्रेसी, दो मिनट बैठ लो, वेट कर लो। क्या रे जग्गी, तू तो जोरी है, बोल कितना कितना? पांच। एक अंगली कम कर। अरे सेठ, जब तक है जवानी तभी तक तो है दुनिया दीवानी, और फिर रिटायरमेंट बाद अपुन को प्रोविडेंट फंड देना पड़ता, अभी देना पड़ेगा तुमको। ले ले ले, चल ले, गिनना नहीं, आंख बंद करके जेब में रख ले। अरे सेठ, आप खास हो इसलिए लूटने देता हूँ, बैठो गाड़ी में। चल बताता हूँ, आ जा। ये जो सेठ एसी में ग्रेसी को लेके गया ना, वैसे तो मुझे बोलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बेटा बोलता है। पता है क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि मैं ही वो बेटा हूँ जो उसको डेली रात को लाके देता हूँ। इस शहर में दो तरह के लोगों से बच के रहने का। किन किन से? ए भाई जरा पांच चाय मारना। ए रफीक, जग्गी भाई के टेबल पे पांच चाय दे, जल्दी कर। सबसे पहले तो भाई लोगों से। अरे यार जग्गी, इन भाई लोगों से हमारा क्या लेना देना यार? और दूसरे जो भी मिले उससे उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। देख जय, मैं यही एक सच कड़वा है। अब तुम लोग बताओ, मतलब मैं क्या बुरा करता हूँ? गांव वाले मुझे इज्जत देते हैं, मात हाट से कहती है मैं उसका बेटा हूँ। पूछो इससे, गांव का मकान पक्का बनवाया, छोटे भाई को बाइक दी, छोटी बहन की शादी की, और क्या चाहिए लाइफ में, बोलो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बकरा तभी कटता है जब लोग उसको खाते हैं। कसाई को क्यों दोष देना दोस्त? सही है, बात तो सही है। वैसे जग्गी, तेरा वो सेठ एक नंबर का नमूना है। अरे हाँ, ऐसे एक से एक नमूने आते। हादसा सुनाऊंगा दोस्तों तो हिल जाओगे। सुना सुना। एक बाबा आया था, एक फिदा। अच्छा। मैंने कुछ बात बात करा दी, वो लेके अंदर गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला, जाने लगा, तो मैंने कहा बाबा बाबा पैसे। बाबा पलट के क्या कहते हैं पता है? क्या? धत पगली, तुझसे थोड़ी लूंगा। चलो चलो, तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। चलो, सोने का मन होगा सोना, जागने का मन होगा सोना को भेज दूंगा। हाँ यार, ये अच्छा है। खाते में। चलो मैं भी अपने चाचा के घर चलता हूँ। ठीक है ठीक है बॉबी, अब तो तुझे बड़े पर्दे भी देखेंगे। और बॉबी, अगर गैम्बलर का रोल मिला जो सिखाया, भूलना नहीं यार। नहीं भूलूंगा। चल चल भाई। बाय बॉबी। चल इनको। अरे तू, अरे ये तो वही टैक्सी वाला जो अभी हम लोग को यहाँ पे लेके आया था। और पता है क्या, मेरे से 300 रुपए मांग रहा था, लेकिन मैं भी फंसने वाला थोड़ी था, सिर्फ 250 दिए। हाँ है ना? देखा, 20 का 250 साले अपने दोस्त हैं। 20 का 250 लेके जा, पैसा मत लेना यार। एक्चुअली क्या है कि चलो 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 चलो, तुम लोग बाय। एवन रूम दिखाता हूँ तुम लोग, सब इंतजाम बाय। जग्गी ये ऊपर गया जन्नत, क्या अंकल यहाँ बैठे रहे? तो पुष्पा गई नहीं तो जग्गी भाई, वो धर्म सेठ आया, तुमको बुला रहा है। रुक मैं चलता हूँ। दोस्तों मेरी पार्टी आ गई है, मैं पटाके आता हूँ। सामने एवन रूम है, मस्ती करो, फ्रेश हो, फ्रुश हो, कुछ भी करो, मैं आता हूँ। चल बे यार लकी, ये जगह वाकई एवन है। अरे वाह बेटा, ये तो यार जय, तेरा ये जग्गी वाकई कमाल है। याने के? यार मैं जा रहा हूँ यहाँ से, साथ वाले रूम में। यार मजाक छोड़। अरे रुकना यार, बैठ। अरे क्या रुकना यार, यहाँ कैसे रह सकते हैं? अरे यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे यार? किसी होटल चलते हैं। लो, हफ्ते भर में जेब खाली हो जाएगी ना, सबको घर लौटना पड़ेगा। तो फिर बॉबी के चाचा के घर चलते हैं। तुम लोग आ रहे हो कि मैं जाऊँ? अरे चल मेरे बाप चलते हैं। चलो चल यार।
क्या हुआ? बोलना। खामोश। मोंगी लाल चपड़ गंजो तीसरे बादशाह हम, और तू अमिताभ बच्चन बनेगा। तार भेजा था मैंने तुझे, टेलीफोन करके बुलाया था कि आ जा बेटा, तेरे चाचा का खून कोई लेमन सोडा नहीं जिसे कोई भी ओंगा पोंगा चूसने चला है, समझा? चाचा, आप हिंदुस्तान के फ्यूचर से बात कर रहे हैं। खामोश। आज रात यहीं रुक जाते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ यार, एक रात तो काट ही सकते हैं, नहीं? ए जग्गी, कुछ करना यार प्लीज। देखो, जब तक जग्गी है साथ में, किस्मत है हाथ में। आज रात अपनी फिटिंग यहीं कर लो, कल सबकी सेटिंग कराता हूँ, ओके? हिंदुस्तान का फ्यूचर कांग्रेस हाउस में। जब स्टार बनूंगा तो ये बात जरूर अपने इंटरव्यू में बताऊंगा। देखो जय, तुम लोग मुंबई में अभी नए नए आए हो, लेकिन मैं हूँ ना, मेरी बहुत चलती है मुंबई में, बता रहा हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। क्यों, पहचाना इसे? राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। ए जग्गी, हरे यार ये, अरे ये तो वही सेट है ना जो कल रात को उस आइटम के साथ था। नहीं यार, ये वो नहीं हो सकता, दोनों जुड़वा भाई होंगे। हाँ, जैसे राम और श्याम। कमाल है, एक भाई दिन में पूजा करता है और दूसरा रात को पूजा को। क्या चंपक अंकल? हरे कृष्णा। नमस्ते। तू क्या कर रहा है यहाँ? ऐसे ही अपने दोस्तों को मिलवाने लाया था आपसे। हाँ, पर मैं इनको मिलकर क्या करूँगा? एक्चुअली ये लोग आपको थैंक यू बोलना चाहते थे, है ना? थैंक यू फॉर व्हाट? मैंने किया क्या? अरे मुंबई में रहने की जगह देने के लिए। देख जग्गी, तू ज्यादा होशियारी मत कर। आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, तू ज्यादा होशियारी मत कर। कोई नहीं, अनाथ आश्रम से आया है, डोनेशन मांग रहा है। तुम अंदर जाओ, चलो चलो, कम ऑन, और तुम्हारे ये दोस्त लोगों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन भाभी जी का एड्रेस ग्रेसी मांग रही थी। लेट मी टेल यू, दिस इज ब्लैकमेल। अब देखो, सेट लेना है तो देना तो पड़ेगा। ठीक नहीं कर रहा है तू। ठीक है, चले जाते। मैं बोला नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। सब दोस्त लोग को लेकर छुमंटर हो जाओ। कम ऑन, चलो कहां जाना, अपना काम हो जाएगा। चलो चलो निकलो, मेरा बीबी बाहर आ जाएगा। कम ऑन, आउट। अरे यार जग्गी, वो बुड्ढे ने तेरे को गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया? अरे नहीं यार, मुंबई में ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं चंपक सेठ। लेकिन यार, 1 लाख डिपॉजिट और 10,000 किराया, और तू मान भी गया? हाँ। अरे यार, रोकड़े की चिंता तुम लोग क्यों करते हो? यू आर माय गेस्ट, चंपक अंकल को मैं टैकल कर लूंगा। कम ऑन ना। रोकड़ा, वाह क्या जगह है, टोटल फर्निश। चंपक अंकल को जब कोई भाड़ा नहीं देता ना, बस उसका सामान इधर ही लेके आ जाता है। सब कुछ तुम लोग का है, तो सब कुछ तुम लोग का है। ऐश करो, पूरी बिल्डिंग तुम लोग की, अप डाउन पूरा टाउन। अगर फिर भी पसंद नहीं आया ना, एवन रूम खाली है, बोल। नहीं, हमारे लिए ये जगह बिल्कुल एवन है, बिल्कुल। फिर भी पूछने के लिए शुक्रिया। अबे कर दी ना बच्चों वाली बात। अरे शुक्रिया अदा कर ऊपर वाले का, चाबी रखता है वही हर एक के किस्मत के ताले का। प्लीज स्टे मैन। उस शुक्ला को ढूंढ के उसकी ऐसी पिटाई करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, कल ये शुक्ला की पिटाई करेगा, अपना हीरो डायरेक्टर को मिलेगा और अपना मजनू अपनी लैला को। अरे यार लकी, ये सब तो हमारा प्लान है, कल का तेरा क्या प्लान है? मुझे तो मुंबई को जीतना है और उसका इंतजाम जग्गी करेगा। अच्छा, चिंता मत करो, अड्डा बता दूंगा, जाके लूटने पहुंच जाना। सही बात। अबे तू घड़ी क्यों देखता है? अरे यार क्या बॉबी, इतना भी नहीं समझता? उसने दी होगी क्यों जय, है ना? बता। वाह, तेरी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? इसी बात पे दोस्तों, मैं भी निकलता हूँ। ये गया।
Cheers. 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 ओमी तू यहाँ? साले कमीने, तूने मेरे बाप को चूना लगाने की जुरत कैसे की? बोल साले वरना तेरी। हाँ मैंने जुरत की, लेकिन हिम्मत तो तेरे प्लान से मिली ना? शुक्ला जी। आजा आजा। अच्छा ये बता तेरा सफर कैसा रहा? बॉस, 3 घंटे से रुका हूँ। कब मिलेंगे डायरेक्टर साहब? इसको देख रहे हो? ये 3 साल से रुका है। तुम 3 सालों से? इश्क हो गया है मुझे, इश्क हिंदी फिल्मों से। बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, बारों ने कहा फिल्में छोड़ दो, अब तुम कहते हो रुकना छोड़ दो। रुकना है तो है, हाँ है। आत्मा जी से मिलना चाहती हूँ। काफी रुकना पड़ेगा, मैं भी 3 घंटे से रुका हूँ। आत्मा साहब किसी को आसानी से नहीं मिलते। हीरो बनने आए हो? कोई शक? नहीं, अब तो आदत ही पड़ गई है। किसकी? उन सभी की जो हीरो बनने आते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझ में क्या कमी है? मेरे पास फेस है, बॉडी है, हाइट है, आवाज है। मैं एक्टर नहीं बन सकता हूँ क्या? ओके सर। मैडम आपको अंदर बुलाया है। तुम्हारे पास फेस है, हाइट है, बॉडी है, आवाज भी है। ऑब्जेक्ट। बाप को बोल के आया था कि शुक्ला का खून पी जाऊंगा, अब देख बैठ के तेरी बियर पी रहा हूँ। लेकिन शुक्ला मानता है ना, प्लान सुपर हिट था। हाँ लेकिन वापस जाकर बाप को क्या बोलेगा? अरे बोलना क्या है यार, कह दूंगा शुक्ला हमारे पैसे खा गया और मुंबई शहर शुक्ला को खा गया। चल असला बंद कर और मेरा हिस्सा डीला कर। अरे रखा ना यार। तो हो जाए मुंबई दर्शन। हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है मेरा, स्टूडियो जा रहा हूँ। आइए बॉबी सर, इलाहाबाद से आया हूँ। तो वापस जा भाई, चांदनी बात देखी तुमने? नेशनल अवार्ड दिलवाऊंगा, मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। कहाँ खो गए जनाब? पता लगी, वो जब भी मुझसे मिलने आती थी तो मेरे लिए ऐसे ही फूल लेकर आया करती थी। वो इतनी प्यारी, इतनी सिंपल है लकी कि मैं क्या बताऊं। पता है वो रोज अपने हाथों से मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाकर मुझे खिलाती थी। जब हम आखिरी बार मिले थे मैं वो शाम कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। चाहता है आपसे, मेरा दिल कुछ कहना चाहता है आपसे, मेरा दिल कुछ कहना चाहता है आपसे। कल रात से
ऐसा क्यों लगा जैसे तुम मेरे पास थे कल रात से, कल रात से, कल रात से, कल रात से, कल रात से। वो तेरा मुस्काना वो कमसिन अदा प्यार की, कैसे मैं तारीफ करूं अपने हंसी यार की। ये सुरूर है तुम बोलो ना बोलो होना तो कुछ जरूर है, कोई खता हो गई है हमसे आपसे कल रात से, कल रात से, कल रात से, कल रात से। मेरा दिल कुछ कहना चाहता है आपसे, मेरा दिल कुछ कहना चाहता है आपसे। चौंका दिया ना जय, तुम यहाँ? सच बताऊं, तुम्हारे बिना और नहीं रह सका, सो चला आया। पता है, तुम्हारे बारे में बकबक कर करके मैंने अपने सारे दोस्तों को बोर कर दिया। ओह, ये मेरा दोस्त लकी, हम लोग बॉम्बे में साथ रह रहे हैं, और ये है शालू। हेलो। हाय। शालू, तुम कितनी बदल गई हो। जय, मुझे कहीं जाना है। It was nice meeting you. अरे, ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूँ और तुम जाने की बात कर रही हो। समझने की कोशिश करो जय, मैं शायद तुम्हारे वापस जाने से पहले मिल ना सकूं। ठीक है। लेकिन शालू, तुमने ठीक कहा जय, मैं बदल गई हूँ। जाने दो जय, वो शालू है जरूर, लेकिन तेरी शालू नहीं। अरे यार, तुमको कितनी बार बोलूं, इस वक्त आत्मा जी बिजी है, आप जाइए प्लीज। क्या दिमाग खराब करने चले आते हैं। आत्मा जी, योर स्टोरी इज अमेजिंग, लेकिन मेरे कॉस्ट्यूम्स। सपना, तुम कॉस्ट्यूम की टेंशन बिल्कुल मत लो, हॉलीवुड के बेस्ट टेक्नीशियंस मेरे पास हैं, हिंदुस्तान का नंबर वन डांस मास्टर मेरे पास है। बॉबी, इलाहाबाद से आया हूँ। तो वापस जाओ भाई, ये मेरा शेड्यूल मुझे फिनिश कर लेने दो, उसके बाद मुझसे आके मिलो। जी शुक्रिया। हटो। हीरो, जब भी मैं आत्मा जी को मिलने आता हूँ तुम वहाँ पहुँच जाती हो। तुम्हारा मतलब क्या है? पता नहीं ये सफेदी की चमकार कब मिलेगी। रिलैक्स यार, टेंशन मत लो, कॉफी। शहर की गोरी यार, लाइफ में ये सब होता है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसको। हाँ यार, भूल जाओ उसे, और वैसे भी वो लड़की तेरे लायक नहीं थी। कब से यही बात समझा रहा हूँ, समझता ही नहीं है। थैंक्स। हाँ, थैंक्स। थैंक्स किस लिए? बहुत साथ दे रहे हो तुम लोग मेरा।
फिल्मी मैं हूँ या तू है? डायलॉग मारता है साला। और देख अब घर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? नहीं यार, मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। समंदर में है जब तक पानी, मछलियाँ तो हैं आनी जानी। कैसे अब? चंपक सेठ की बीवी मायके चली गई है तो थोड़ा जल्दी सुधर जा, अभी वक्त है। लेडीज टेलर से दोबारा लेडीज टेलर बन जा। ए तो उसकी छोड़ ना, कम ऑन बॉटम्स अप, चलो चलो। अगर ये मेरी हीरोइन बनने को राजी हुई तो क्या मजा आएगा। ए बॉबी, क्या देख मेरे रास्ते में मत आ वरना खामखा दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। बॉस, इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी जगह पर अकेली क्या कर रही है? हाँ यार, अपने हीरो का इंतजार। बॉबी, वो मेरी तरफ देख रही है। भाई साहब सॉरी, वो मेरी तरफ देख रही है। अबे वो हम तीनों को नहीं, वो जय को देख रही है। खींचने के लिए मेरी टांग मिली थी क्या? जय, बॉबी जिंदगी में पहली बार ठीक बोल रहा है। लगता है तेरा तो जैकपॉट लग गया। तू बोल तो मैं तेरी सेटिंग कराऊं उसके साथ। बोल भाई, मेरे बाप, हर लड़की वैसी नहीं होती। हाँ यार, अब जो मैं कहता हूँ तू कर आराम से, स्टाइल में तू भी उसको एक स्माइल दे। देना स्माइल देना। नहीं यार, मैं ऐसे कैसे, गलत है। नहीं नहीं, अबे सामने से लाइन दे रही है, अगर ये लाइन नहीं पकड़ा तो जिंदगी भर लाइन में खड़ा रहेगा। अबे ये तो मुझे वहां बुला रही है, अब क्या करूं? अब जाके उससे राखी बंधवा ले। क्या यार जय, तुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा क्या? जय, जानते हैं शालिनी ने तेरा दिल तोड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू जीना छोड़ देगा। चल जा। जाना यार, तुम क्या यहाँ रोज आती हो? कभी कभी। और तुम? मैं भी कभी कभी। अच्छा हुआ। क्या? ये दोनों कभी कभी आने वाले आज ही आ गए। लगी सौ सौ की, कल ये घर वापस नहीं जाने वाला। नहीं यार, अपना जय बहुत सीधा है। वो तो है, लेकिन लड़की में दम है। अब हम लोग क्या करें, यही बैठेंगे क्या? जब तक हम सब यहाँ रहेंगे ये खुलकर उससे बात नहीं करने वाला। तो चलो ना, चलते हैं। चलो चलो, लेट्स गो। सी यू जय। चल जय। बाय। चल जय, चल मिलते हैं। हैव फन। कम लेट्स गो टू द डांस फ्लोर। ये क्या कर रही हो? वैसे नॉर्मली तो मैं पैसे एडवांस में लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने कहा कि सुबह तुमसे ले लेना। तुम्हारी सूरत अच्छी लगी तो मैंने सोचा ठीक है। यानी कि तुम, यानी कि मेरे दोस्तों ने, यानी कि तुम्हें। बेटा ये गेम तो तू नहीं जीतेगा, चल शोकर ये ले। अरे यार कभी तो हार। यारों में शुक्ला मिला कि नहीं? मैं तुम तीनों को चांद से मार दूंगा सालों। तुम लोग समझते क्या अपने आप को? हाँ, तुम लोगों ने मुझे, मुझे एक ऐसी लड़की के साथ जो कि दिखा दी तुमने अपनी दोस्ती, दिखा दी। ए, नाटक मत कर रहा, राज बरेश की ना, और घड़ी देखी? घड़ी को छोड़ यार, तू मेरे 5000 रुपए उसकी बात कर। 5000 को गोली मार, तू ये बता तुझे मजा आया कि नहीं? है बोल ना, बोल मजा आया कि नहीं? ये बता ना जय, बोल ना, बोल ये बता ना, बोल बोल। ये हुई ना बात, मेरे मजनू मजा तो बहुत आया। कैसे खिलखिला रहा है, अब बता वापस घर जाएगा? अबे
चल चल ला मेरे 100 रुपए। अरे जय के चक्कर में बात अधूरी रह गई, शुक्ला मिला कि नहीं? अरे मिलता कैसे नहीं, मेरा हिस्सा जो लेके बैठा था। अरे किसी में इतना दम है जो मेरी मदद के बगैर मेरे बाप को लूट ले? साले तू कितना बड़ा कमीना है। वो तो मैं हूँ। अरे यार जेब में माल है, दिन कमा ले और हिंदुस्तान का फ्यूचर अभी तक घर में बैठा है। चलो चलो दीवाने हैं हम दीवाने हैं, मस्ती के लब पे तराने हैं, दिल जो कहेगा कर जाएंगे, तालों को हम तोड़ लाएंगे। कहता है दिल कहता है बार बार, क्या बेकरारी से लेना मेरे यार। ला 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 ला। आने वाला पल वो आ रहा है, जाने वाला पल ये जा रहा है। आने वाला पल वो आ रहा है, जाने वाला पल ये जा रहा है। नई मंजिलों को है तेरा इंतजार। ला 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 अट्ठाईस उनतीस तीस एक दो तीन चार 3,400 रुपए बस। लगता है कपड़े कुछ ज्यादा ही महंगे पड़ गए। अरे सुन लकी, प्रॉब्लम है बॉस, हिंदुस्तान का फ्यूचर कड़की में कड़की में। ये तो होना ही था, जेब में माल था, दिन का माल था, इसीलिए तो आज हिंदुस्तान का फ्यूचर घर पे बैठा है। अरे हाँ यार, मेरे पैसे भी खत्म होने आए हैं और मुझे भी अब तक कोई ब्रेक नहीं मिला यार, कब से चक्कर काट रहा हूँ। लगता है अब घर लौटना ही पड़ेगा बॉस। पागल हो गया क्या? अरे मेरा बस चले तो मैं कभी वापस घर ना जाऊँ, बस यहीं बैठ के ऐश करूँ। ऐश के लिए कैश चाहिए बेटा। वो तो है यार। ए ओमी, कुछ सोच ना, तेरे पास कोई ना कोई प्लान होगा ही। है ना? क्या है तेरा प्लान? तू है मेरा प्लान। मैं? देख लकी, जब तुझे पैसों की जरूरत होती है तो तू दो हाथ खेल के कमा लेता है। अब हमारे मुंबई में रहने का प्रोग्राम आप ही बनाएंगे साहब। ओमी शायद तू भूल रहा है, अभी तक मैंने सिर्फ छोटी गेम खेली है। जितने पैसों की तू सोच रहा है ना, उसके लिए बड़ी गेम खेलनी पड़ेगी, और बड़ी गेम खेलने के लिए तेरे 3,400 रुपए थोड़े कम पड़ेंगे। कम से कम 15,000 रुपए चाहिए। 15,000 रुपए? 15,000? देख लकी, मेरे पास जितने हैं ना, सब तेरे भरोसे। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? लकी अगर हार गया तो? अरे अपना लकी कभी नहीं हारता, वही तो प्लान है। तुम लोगों को लगता है ये प्लान अच्छा है? जय ये अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा प्लान है, इन और आउट। तुम लोग मरवाओगे यार, मरवाओगे। ये लो। All right. गिन, 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 कितना माल इकट्ठा हुआ? 13,000। अभी भी 2,000 कम है। बाद में बात करता हूँ। आइए लकी साहब, क्या हाल चाल है? बस दुआ है असलम भाई आपकी। 15,000। आज बड़ी गेम खेलने का इरादा है? हाँ असलम भाई, बस यूं ही। तो आइए आज हमारे साथ हो जाए। आपके साथ? हाँ।
आजकल बड़ी गेम खेलता ही कौन है, और फिर हमें तो एक जमाना हो गया खेले हुए। जैसे आपकी मर्जी। आपके दोस्त भी खेलेंगे क्या? नहीं, बस वो यूं ही प्यास बुझाने आए हैं। तो आइए चलें। चलिए, काउंटर्स भेज देना। तुम लोग अपनी प्यास बुझाओ, मैं आता हूँ। थैंक्स, डोंट वरी। यस सर। बॉस, ड्रीम विस्की। Yama yama gambling, the gambling, the gambling, the gambling. Show, show, show. यार रोमी, लकी जीतेगा ना, हारेगा तो नहीं? अबे तेरे मुंह से हमेशा ना ही क्यों निकलता है? ओके बाबा सॉरी, चल टॉपिक चेंज करता हूँ। हाँ, तानिया की बात करते हैं। अरे यार, तेरे को आशिकी की बीमारी है क्या? तेरे सर से प्यार का भूत उतारने के लिए तानिया के साथ तेरी सेटिंग की थी, और तू है कि वहाँ पे। छोड़ो इन सब बातों को यार, आज का दिन हिंदुस्तान के फ्यूचर का दिन है। लकी, क्या हुआ? लकी कभी हारता नहीं दोस्त। जीत गए तो उठ रहे हो? बस असलम भाई, आज इतना ही। एक लाख के 10 लाख भी तो हो सकते हैं। 10 लाख? हाँ, अगर किस्मत पे भरोसा है तो। अरे किस्मत पे क्या, हम लोगों को लकी पे भरोसा है। ए, लकी खेलना यार। हो गया यार। ए, अरे यार थोड़ी देर और समझा कर। खेलो, जैकपॉट लगने वाला भाई, खेलो। ऑल द बेस्ट। पैसे खत्म हो गए। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। काउंटर्स। चंपक सेठ की टेरिस पे रहते हो ना? हेलो, हाँ बोल। क्या? अरे तुम लोग इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने क्या किया? उस पंडित ने कितना समझाया था हमें। अच्छा, तो अब ये सारी गलती मेरी है? अरे पैसे मैं हार के आया हूँ या ये लकी? वाह, तेरा मतलब है ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ, मेरी गलती है। नहीं नहीं, गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी है मेरे बाप, कि मैंने तेरी बात मान ली। मैंने पहले ही कहा था सबको कि सोच लो, लेकिन तब सबको लगा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब क्या करेंगे हम, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? इस शहर में हम किसी को जानते भी तो नहीं। यार जग्गी, अपना जग्गी यार। ये कब हुआ? 3 दिन पहले। यार अब हम क्या करेंगे, वो काले हम सबको चुन चुन के मारेगा। तो किसने कहा था शाणा बन के जुआ खेलने को? लग गई ना सबकी खुश। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बहुत तगड़ा सेक्शन मारा। लेकिन कितना तगड़ा? अब पता नहीं यार, हफ्ता भी लग सकता और महीना भी। अरे यार तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। है ना, यहाँ से छलांग मारते हैं, पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर बात करते हैं। हम लोग अपने अपने शहर वापस क्यों नहीं जा सकते? कोई फायदा नहीं, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, उन लोगों से भाग नहीं सकते। हाँ यार,
लकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लोग 2400 घंटे हम पर नजर रख रहे होंगे। देखो अब एक ही रास्ता है हमारे पास, किसी न किसी तरह अगले 7 दिनों में हमें 7 लाख का इंतजाम करना ही होगा। मुझे कोई ना कोई प्लान सोचना ही पड़ेगा। तू कुछ नहीं सोचेगा, जान हम सबकी खतरे में है, जो कुछ सोचना हम खुद सोच लेंगे। ठीक है तो सोचो तुम लोग। पैसे तो मैं हारा हूं ना, तुम सब तो भाग सकते हो। पागल हो गया तू लकी, तुझे छोड़ के भाग जाएंगे? तू तो जीत रहा था यार, ये तो हम तीनों ने जिद की कि तू और खेल। ए लकी, हम सब इसमें साथ हैं, समझा? लेकिन यार अब हम करेंगे क्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं बोलूं? तूने आज सुबह का अखबार पढ़ा है? ये देख, ओमी तू होश में तो है, तू ये करने को कह रहा है? अरे यार कुछ नहीं होगा, तू देख ना, बिजनेसमैन घर भी पहुंच गया और किडनैपर का पता तक नहीं चला, 2 करोड़ की पेमेंट हुई है। और यार हम लोगों को तो सिर्फ 7 लाख की जरूरत है, उस असलम भाई को 7 लाख देंगे और अपनी जान छूटेगी और फिर ये शहर छोड़ के अपने अपने घर चले जाएंगे यार। ए ओमी, प्लान अच्छा है। तुम पागल हो गए, पागल हो गए तुम लोग। ठीक है, तेरे पास इससे अच्छा कोई प्लान है तो तू बोल। देख जय, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लान तेरा है या मेरा है, जान तो हम चारों की बचानी है ना। किडनैप करेंगे कैसे और किसे? किसी भी बड़े आदमी को किडनैप कर लेंगे। नहीं बॉबी, नहीं, हमें किसी ऐसे आदमी को किडनैप करना पड़ेगा जिसके पास माल तो है लेकिन नाम नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी हमें मिलेगा कहाँ? गोल्डन बार में, लेकिन वो सब बात की बात है। सबसे पहले हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हम लोग कहाँ से अंदर घुसेंगे, उसे लेके कहाँ से बाहर निकलेंगे, सब कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा है कौन? कोई रईस बिजनेसमैन लगता है। उस दिन जब मैं शुक्ला के साथ गोल्डन बार गया था तो मैंने उसे वहां देखा था, और रोज रात की तरह आज भी वहां जरूर आएगा। बहुत मालदार है क्या? अरे जय, 2-4 पेटी तो एक ही रात में उड़ा देता है। इतना मालदार है कि जब उसकी गाड़ी गोल्डन बार के दरवाजे पे रुकती है तो पब्लिक रुक जाती है। उसका स्टाइल किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। जब वो गाड़ी से उतरता है तो वो खुद नहीं बोलता, उसका पैसा बोलता है। यही है वो, हमारे 7 लाख का बेरर चेक। छलके 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 बिंदिया।
बिंदिया मेरी बिंदिया ले गई तेरी निंदिया चमके 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 चैन खोया तुमको माया कर तो इशारा दिल से है दिल का सौदा हमारा यार क्यों मांगे तुमसे हम यारा जिंदगी ये आशिकी है आशिकी की तो ये करार पाया इश्क के वादे रोज करते हैं रोज होते हैं तेरे ही चर्चे रोज जीते हैं रोज मरते हैं हर तरफ तू रूबरू है सामने तू ही बार बार अरे जब अपुन ने तेरे को पहली टाइम देखा था ना तभी हो गया देख मूसा तेरे मुंह से गाली अच्छी लगती है कवाली नहीं चल तेरे को मेरा कुछ तो अच्छा लगा लेकिन तू ये दुनिया के सामने नाचती है ना ये मूसा को अच्छा नहीं लगता चल अच्छा रखेगा कहाँ अरे रखूंगा महल में लेकिन रहेगी दिल में शादी करेगा मेरे साथ रानी तू फिर से क्या मूसा मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ और मैं तेरे साथ जाऊंगी लेकिन सिर्फ तेरी बीवी बनके अरे तेरे को कितने टाइम बोला है अपुन को शादी वादी नहीं करने का है उसके अलावा तेरे को जो भी मांगता है बोल गाड़ी बंगला पैसा अरे बोल ना ये सब तो मुझे यहाँ कोई भी दे सकता है लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो सिर्फ तू दे सकता है और तू है कि मुझे वो देना ही नहीं चाहता देख रानी मेरी बात समझ बात तू समझ मूसा अगर तू घोड़े पे नहीं आ सकता ना तो तेरा ये जो घोड़ा है उसको अंदर रख और मुझे यहाँ से ले जाने का ख्याल छोड़ दे चल तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा We'll be right back.
एक बात की दाद देनी पड़ेगी मूसा, बहुत वफादार है तू अली भाई का। इस वफादारी के ऊपर एक शेर याद आ गया, सुन। अच्छा हुआ सनम हम बेवफा निकले, हैं? अच्छा हुआ सनम हम बेवफा निकले, वफादार तो कुत्ते होते हैं। वफादार तो कुत्ते होते हैं। चिन्मयी की मच्छी मार्केट से डॉग्स का मगरमच्छ तो बन गया तू, लेकिन अभी तक तेरी मचपच नहीं गई। हाँ मुसा, मुसा सुल्तान, ये मत भूलो तुम किसकी चौखट पे खड़े हो। बच गया तू। जमाने के देखे है रंग हजार, अली भाई के दरबार में भाई लोगों का बाजार। सुल्तान, तुम दोनों को यहां समझाने के लिए बुलाया है कि आपसे दुश्मनी बहुत हो गई। इसने कल दो मारे, तुमने आज चार मारे। इस तरह से एक दूसरे को मारते रहोगे तो पुलिस किस बात की तनख्वाह लेगी? हाँ, पुलिस का काम कर रहे हो तुम दोनों? देखो, आज के बाद एक दूसरे के रास्ते में तुम दोनों नहीं आओगे। मेरी बात मानेगा ना मूसा? पहली गोली मूसा नहीं चलाएगा अली भाई, लेकिन इसका क्या? ठीक है, नो एंट्री में घुसूंगा, लेकिन इसके रास्ते में नहीं आऊंगा। ठीक है, हाथ मिला के आपस में सुलह कर लो। भला करेगा मौला। पेड़ अंदर ले। आज बूढ़े की वजह से बच गया तू, कल नहीं। एक मिनट। तेरे को शायरी का बहुत शौक है ना, तो एक शेर सुन। माना मैंने अली भाई का कहना, माना तूने अली भाई का कहना, लेकिन उस बुड्ढे की बात तू सीरियसली मत लेना, और हमेशा मूसा से बच के रहना। तो आज रात को हम सब गोल्डन बार जा रहे हैं। प्लान सबकी समझ में आ गया ना? देखो, मैं अब भी कहता हूं, सोच लो, इस प्लान में बहुत खतरा है। अरे काहे का खतरा जय? काहे का खतरा? अरे किसी रईस बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई औलाद होगा साला। इडियट ने खुद जिंदगी में मक्खी भी नहीं मारी होगी, अपना क्या खाक उखाड़ लेगा। रिलैक्स जय, तू देख लेना, उस साले को किडनैप करना बच्चों का खेल होगा। बच्चों का? क्यों? क्या करने गया था मूसा के पास? मैंने गया था भाई मूसा भाई के पास। चार बार तेरी गाड़ी देखी है वहां। कसम से भाई, मैं नहीं गया था मूसा भाई के पास। दस मिनट से दिमाग की मां बहन कर रहे हैं। मूसा के पास गया था, तेरी गाड़ी वहां देखी थी, जानता था ना वहां गया था। मूसा ने अपना आदमी फोड़ा तो उसका आदमी हनीफ। मूसा का गेम बजा, सुल्तान तुझे मूसा भाई बना देगा। मूसा आज गोल्डन बार जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। काम पे लग जा। मूसा भाई के बाद मूसा भाई। अच्छा है मूसा भाई। मूसा आज रात गोल्डन बार जरूर जाएगा, और आज उसके साथ कोई नहीं होगा। कल की कलेक्शन अच्छी थी और आज मूसा क्यों इतनी पीता है तू? तुझे कितनी बार बोला मैं? आज मूड बहुत स्मूथ है। तो आज तू नाचेगा? तो मैं क्या करूंगी? तू ना। <laughs>
कैसे कैसे सपने देखे थे मैंने तेरे प्यार के लिए, कैसे कैसे सपने देखे थे मैंने तेरे प्यार के लिए। जिंदगी ये मेरी है तेरे इंतजार के लिए। ये सब क्या है? ये तुझे क्या लगता है बे? तेरे हाथ बंधे हैं, तेरे पैर बंधे हैं। हम लोग ना ही तेरे रिश्तेदार हैं और ना ही ये कमरा तेरे बंगले का ड्राइंग रूम। अबे किडनैप किया तेरे को। चल चल चल, अपनी बीवी का नंबर बोल। नहीं है। तो फिर बाप का नंबर बोल। नहीं है। क्या नहीं है? नंबर नहीं है या बाप नहीं है? दोनों। साला बाप नहीं है तो भाई, अंकल, मैनेजर, नौकर कोई तो होगा। इतना बड़ा बिजनेसमैन है तू, एक अच्छी सेक्रेटरी तो होगी। चल नंबर निकाल जल्दी से। तुम सबको अंदाजा नहीं है कि मुझे यहाँ लाकर तुम सबने खुद की कैसी बैंड बजाई है। अच्छा, तो तू ही बता दे तू कहाँ का तोप है। मूसा,
मूसा का नाम सुना है? ओ, अब तू कहेगा तू मूसा का आदमी है। क्या लगता है हम लोग जौनपुर से हैं क्या? मैं मूसा का आदमी नहीं, खुद मूसा हूं। अगली बार तूने मुझ पर हाथ उठाया तो हाथ काट कर घुसा दूंगा, समझा? ए, ज्यादा हुल देने की कोशिश की तो एक रख के दूंगा। ये करने से पहले खुद पर एक एहसान कर ले, किसी भी पुलिस स्टेशन जाकर, किसी भी, वहां का वांटेड बोर्ड देख लेना, समझा? जाएंगे जाएंगे ना, लेकिन तेरा माल मिलने के बाद, समझा? वैसे जाकर देखने में अपना थोड़ी को जाने वाला है। ए, इसने जरा सी हुल क्या दी, तेरी फट गई। बात खामों का रिस्क लेने की है यार। ए, काई का रिस्क? इसको देख, ये किसी भी एंगल से भाई लगता है क्या? ये देख, रोलेक्स की घड़ी, ये अरमानी का सूट और ये गुची के जूते। साला ये भाई कम जॉन ट्रावोल्टा ज्यादा लगता है। अरे छोड़ना बॉबी, जाने दे इसको, साले का मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। जा जा। तुम बंदर लोग को क्या लगता है, ये लंगूर वापस आएगा क्या? जरूर आएगा, हमारा दोस्त है। कमाल की दोस्ती है, मरना भी सबको साथ में है। साला इस देश में हर कोई समझता है कि वो एक्टर बन सकता है। तू इधर ही मार खा गया, भाई की एक्टिंग करनी थी तो थोड़ा ढंग से करता। चलो मैं तुझे दिखाता हूं कि भाई की एक्टिंग कैसे करते हैं। ध्यान से देखा, ये देख चेन, 50 तोला है, 50, और इसको बोलते हैं घोड़ा। क्या? घोड़ा। और ये है मैगजीन, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर पे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और बूम। खेल खलास। यार ओमी, लकी इतनी देर क्यों लगा रहा यार? ओमी, अरे ले, तूने नाम लिया और वो आ भी गया। ओमी मेरी बात सुन। अरे देख देख, अपना हीरो एक्टिंग कर रहा है। ओमी मेरी बात सुन। अरे बहुत मजा आ रहा है, तू भी यार मेरी बात तो सुनो। पहले हाथ खोल। हाँ भाई, अभी खोलते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? इसे खोल दिया तो ये हम सबको खोल डालेगा। और मैंने 50 तोला भी किया था, और तूने तो थप्पड़ भी मारा था, तू तो गया। अरे मुझे थोड़ी ना पता था, आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? हाथ लगाया ना, पता काट के घुसा देंगे। अब क्या करें? एक मिनट, मुझे लगता है कि मेरे पास एक और प्लान। तू कुछ नहीं सोचेगा क्यों? हाँ, मौत के साथ हमारा ये अपॉइंटमेंट तूने ही फिक्स किया था। मैंने दोस्तों के दुख दर्द बांटने देखो जग्गी आया है। अबे कौन है वो कबूतर जिसने तुम्हें सताया है? भाई इन्हें आसान मौत देना, भाई अपने दोस्तों का। भाई हाथ खोल, पहले हाथ खोल। मुझे किडनैप कैसे किया? भाई वो क्या है कि मुझे पता था कि आप रोज गोल्डन बार जाते हो, तो हमने आपके मुंह पे थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लगा दिया। वैसे आपने पहले से काफी पी रखी थी। और मेरे आदमी? आदमी? लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। मुन्ना, भाई की सिक्योरिटी जेड प्लस नहीं होती, ए टू जेड एंड 1 to 100 होती है ना भाई? लेकिन वहां कोई नहीं था जगी। हाँ मूसा भाई, हमें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वो लंगूर को इधर भेज। कौन सा वाला भाई? ए हीरो। ए जा, भाई बुला रहे, जा जा। तेरे को एक्टिंग का बहुत शौक है ना, ये ले और मेरे आदमियों को फोन लगा और बोल मैं तेरे कब्जे में हूं, ले। अरे खड़ा क्या भाई बोल रहे, फोन कर, एसटीडी कर, आईएसडी कर, पीसीओ कर, एसएमएस कर, कूद मर, कुछ कर। चुप बैठ, चल बैठ और फोन लगा।
हेलो, इस वक्त मैं तुम्हारे मालिक का मालिक बोल रहा हूं। अगर मूसा को जिंदा देखना चाहते हो तो चार खोके का बंदोबस्त करो। तो चार खोके का बंदोबस्त करो। माल कब और कहां पहुंचाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। माल कब और कहां पहुंचाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। फोन के पास ही रहना, मैं दोबारा फोन करूंगा। फोन के पास ही रहना, मैं दोबारा फोन करूंगा। ये हीरो मेरे साथ रहेगा। माल उठाने तुम तीनों जाओगे, समझे? आईमैक्स एड लैब्स। अंदर जाते ही तुम अलग अलग हो जाना। अकबर इस दुनिया में अकेला है, लेकिन अकेला नहीं आएगा। वहां से अकबर को फोन घुमा। फोन घुमाने के बाद अकबर को घुमा। हेलो, बिना टिकट के ट्रेन बस और सिनेमा में घुसना गैर कानूनी है। मालूम नहीं है क्या? ए, फटाफट तीन टिकट दे। सॉरी सर, हाउसफुल। तीन सीट खाली कर, नहीं तो 6 की 6 खाली कर दूंगा। ये जो तेरे साथ 2 एक्स्ट्रा टिकट है ना, इनको फाड़ दे। क्या है ना, ये पिक्चर बच्चों के लिए नहीं है। शाबाश, वेलकम टू आईमैक्स एडलैब्स। अब एक अच्छे बच्चे की तरह जैसा मैं बोलूं वैसा कर, समझा? अकबर अपनी सुनता है, अपनी करता है। अच्छा, इस एयर कंडीशन थिएटर में तेरे माथे का पसीना मेरे गन के व्यू फाइंडर से साफ नजर आ रहा है। पहुंच दूं क्या? ध्यान से सुन, एक तो लड़कियों को घूरना बंद कर, तेरी बेटी की उम्र की है, और दूसरी बात, अब अपने दाएं मुड़ और सीधा एस्केलेटर से ऊपर आ। आ गया। नीचे जाने को बोल उसको। अब सीढ़ी पकड़ के नीचे जा। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब ए, हमेशा के लिए ऊपर भेजो क्या? चल सीधा एस्केलेटर के पास जा। हाँ, अब बैग एस्केलेटर पर रख और पलट। अब पलटा तो डाल दूंगा। अब बोला ना रुक। अब अभी रुका क्यों है? तमाशा तो खत्म हो गया। टिकट है ना, पिक्चर अभी भी चालू है, जाके देख ले। भाई हमने हमने कुछ नहीं किया। भाई हमने तो बैग को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, हमने तो वैसा किया जैसा आपने कहा था। हेलो, मूसा बोल रहा हूँ। मूसा ढूंढी सारी दुनिया, ढूंढे सारे खोपचे, कहाँ छुपा है रे तू मूसा सुल्तान से बच के? तेरे 4 आदमी तुझे टपकाने के लिए भेजे, तू वहां से कल्टी हो गया। है 4 खोके के बदले रद्दी भिजवाई, तू फिर भी बच गया। तू कभी मरेगा रे मूसा, कभी मरेगा। शेर के सामने शेर बोलकर चूहा शेर नहीं बन जाता, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, गोद लेने से कोई बाप नहीं बन जाता। सुल्तान तू तो गया।
मेरे ही आदमी थे साले। सब ठीक है ना भाई? कल रात को चार शूटर मुझे टपकाने गोल्डन बार आए थे। तो मतलब इन चारों की वजह से आपकी जान बच गई भाई? इसीलिए तो अब तक जिंदा है। अब क्या होगा भाई? रानी पे हमला। वो साले जानते हैं कि रानी मेरी जान है, उसे यहां लाना होगा। मतलब मेहमान बनाकर तुम लोग मुझे यहां लाए थे ना, अब बाप बनकर मैं यहां रहूंगा। मेरे को चूना लगाने के लिए मूसा को तुम चार नमूने ही मिले थे क्या? रानी जी हम सच कह रहे हैं, आपकी जान खतरे में है। ओह हाँ रानी जी, और आपको ले जाने के लिए मूसा भाई ने ही हमें यहाँ भेजा है। हाँ वो तो पता चल ही रहा है तुम सबको देख के कि ये मूसा की ही कोई चाल है। साला खुद तो कभी आ नहीं सका मुझे ले जाने के लिए, तो अपने चमचे भेज दिए। जाके बोल देना अपने मूसा भाई को कि रानी मर जाएगी लेकिन ऐसे नहीं आएगी। देखिए हमें जबरदस्ती करने पर ए, हाथ लगा के तो देख, हाथ काट के अंदर। पता है घुसा देंगे। दोनों की क्या मैचिंग जोड़ी है, डायलॉग्स भी एक जैसे बोलते हैं, इसीलिए तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। भाई हमने तो पूरी कोशिश की लेकिन ये तो क्या रे, ये क्या नाटक है? तू चल मेरे साथ, मैं समझाता हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तेरे साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कस्टमर भगा देता, कभी कुछ कर देता और आज इन गधों को भेज दिया। रानी बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली। सुल्तान को बोलना मैं आ रहा हूं। ना ये मूसा मरेगा ना मुझे जीने देगा। इतना बता दे रहे मुझे तो मूसा की कितनी सुपारी लेगा? जा, जा, जा। चार लड़के जिन्हें तू पहचानता नहीं, एक दलाल जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं, एक मैं जिसे अपने कल का पता नहीं, और एक तू जिसे अपने कल की फिक्र ही नहीं। अब आगे क्या? सुल्तान तो गया। ए, दिमाग तो नहीं घूम गया तेरा? अकेले कितनों को मारेगा? चार गिरे नहीं कि पांचवा तुझे। देख तू मेरी बात सुन, तू अकेले कहीं नहीं जाएगा, अगर जाना है तो इन चारों को साथ लेकर जा। क्या ये चार? मैं वहां गोटियां खेलने नहीं जा रहा हूं, मूसा को किसी की जरूरत नहीं। तू मेरी बात तो सुनना, मूसा सुन तो। रानी जी मूसा भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम चारों तो बिल्कुल यूजलेस हैं। देखिए ना रानी जी, हमें साथ ले जाकर मूसा भाई को बहुत तकलीफ होगी, उन्हें खुद बहुत तकलीफ होगी। अभी देखिए ना गोल्डन बार में क्या हुआ। जब मैं और मूसा बात कर रहे हैं ना तो बीच में नहीं बोलने का, क्या
तेरी प्रॉब्लम क्या है? हा? मैं कब से तुझे समझा रही हूँ और तू समझता ही नहीं है। तू पागल हो गई रानी, इन चारों को क्या मैं गोद में लेके घूमूंगा? हाँ मूसा भाई प्लीज जरा समझाइए ना रानी जी को, हम चारों को साथ ले जाकर कोई फायदा नहीं। हाँ मूसा भाई प्लीज हमें जाने दीजिए ना। ए तुम लोग चुप बैठो, देख मूसा मैं तुझे अकेले जाने नहीं दूंगी। लेकिन रानी तू भी चुप, कसम खा मेरी कि तू मेरी बात मानेगा, इन चारों को साथ लेकर जाएगा, मेरी कसम खा, खा मेरी कसम। तेरी कसम। खुश? बोल यहाँ क्यों बुलाया? भाई वो चार छोकरों ने मूसा भाई को उठाया ना, आप उनको जानते हैं। कीमत बोल। 40 पेटी बस। दिया। कल के यानी रेस्टोरेंट। ठीक है। तुम लोग ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। हाँ ओके। वेटर भाई साहब क्या खाओगे भाई? कीमा पाव। कयानी रेस्टोरेंट में वो लोग मेरे साथ ही बैठे हैं। तू क्या खाएगा? मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर कर दे यार। भाई साहब इनके लिए कुछ भी लेके आओ। अरे कुछ तो मंगा ले यार। यहाँ का ऑमलेट पाव ऑर्डर किया कि नहीं? हाँ वो भी मंगवाया। हाँ इसने किया। जगी तू क्या खाएगा यार? यार मेरा थोड़ा पेट प्रॉब्लम है यार। अरे कुछ तो खा ले। नहीं नहीं कुछ नहीं। अबे दारू कम पिया कर। वही तो नहीं छूटती। खाना आ गया। पराठे नहीं लाया? लाओ 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 जल्दी। दूध भी बोला था? आराम से आराम से। दूध लगी है। फटाफट कर यार। मतलब भाई साहब दो कड़क चाय, एक ग्लास दूध, कुछ हल्का फुल्का खा ले। नहीं यार लफड़ा हो जाएगा। ठीक है। मजा आ गया। मम्मी मैं बाथरूम जा रहा हूँ।
तुम लोग मुझे मारना चाहते थे ना, देखते हैं किस्मत मुझे मारती है नहीं। देखते हैं किस्मत किसे मारना चाहती है। वाह मूसा भाई, आपसे बड़ा एक्शन हीरो आज तक देखा नहीं। अबे सीख कुछ, एक्शन हीरो बनना चाहता है मूसा भाई से सीख। अरे एक्शन तो बाद में शुरू हुआ, उस बेचारे की तो मूसा भाई को देखते ही फट गई यार। भाई एक छोटा सा क्वेश्चन, सब लोग आपसे इतना डरते हैं, आपको गुंडा दादा कहते हैं, आपको कभी बुरा नहीं लगता क्या? चलता है अपन का दौर, लंबा अपना हाथ है, नेता वे गड़ानों और सब अपन के साथ है। नाइन मिलीमीटर
ने तो अकबर को डाल दिया, अब हमारी बारी है सुल्तान भाई, हमें अंडरग्राउंड कर दो सुल्तान भाई। यहां रहोगे तो सांस लेने में तकलीफ होगी, जहां भेज रहा हूं वहां सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साला बनने निकले भाई, पानी कम चाहे पानी कम जाए, अच्छा अच्छा मूसा मूसा मूसा। हाँ पहुंच गया तू? हाँ भाई। हाँ हाँ किधर है वो? सामने बैठा है। फोन दे उसको। हाँ एक मिनट। कौन हो तुम, अंदर कैसे आए? भाई से बात कर। अरे तेरा भाई मेरा बाप लगता है। बात कर बात कर। कौन है बे? मूसा बोल रहा हूँ। मूसा भाई, भाई, नहीं, 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 भाई, भाई मेरी मजाल? नहीं, मैं, हाँ, भाई मैंने उसको घर लौटने के लिए कहा, वो इसलिए कि अपने घर जाके अपने घर के मेंबर्स को लाए, इतनी बड़ी फिल्म का हीरो है, उसकी मुहूर्त है। अरे आपके घर का बच्चा है, मुझे बुला होता मैं अपने घर में सुलाया होता। बेटा खड़े क्यों बेटा ना, ए ठंडा लाओ हीरो के लिए। हाँ कोको कोला। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, साइनिंग अमाउंट रेडी है, मैंने चारों मेरे असिस्टेंट को गली गली इसको ढूंढने भेजा, और जब आपने बोल दिया था स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग कल तक सब फाइनल हो जाएगा, हीरोइन भी ढूंढ लेंगे। हीरोइन भी रेडी है। मूसा भाई सुना आपने? बेटा नाम बोल। बॉबी। बॉबी जी का डेडिकेशन देखा, लड़का स्कोर करेगा सबके ऊपर। भाई मुझे क्या चाहिए, मेरी तो लाइफ सेट हो गई भाई। पर भाई जान फोन मत बंद करना, आज आपको एक बात बोलने का है। आज आपसे बात करके इस आत्मा को परमात्मा की याद आ गई भाई। ले भाई मूसा भाई मूसा भाई। एम केम कैसे शेम नेम का ये गेम है, I'm the best, hello। हाय कहाँ से आ रहे हो? सवाल ये नहीं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, सवाल ये है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जवाब दूँ? हाँ। वीटी स्टेशन। अमित जी भी वीटी स्टेशन से वापस इलाहाबाद जा रहे थे जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें प्लेटफॉर्म पे रोका था। अच्छा yes. तो तुम्हें कौन रोकने आएगा? रुकिए बॉबी भाई, आप वहीं रुकिए, आपको आत्मा की जान की कसम मैं कहता हूँ। आत्मा जी नमस्ते। आप ऊपर जिस हीरोइन का मुझे हवाला दे रहे थे ना, उसका मुझे तारुफ इंट्रोडक्शन परिचय करवा दें, तो उसे और मुझे काम करने में बहुत आसानी होगी कसम। आत्मा जी तो अपनी हीरोइन से मिल लीजिए, सपना। यस यही तो है वो आलीशान सपना। और आप, मैं कसम से कहता हूँ, जैसे धर्म जी और हेमा जी की हिट जोड़ी मशहूर थी ना, उसी तरह सपना और बॉबी की जोड़ी ऑल इंडिया हिट करवाऊंगा। कल सुबह 11 बजे विद मेकअप रेडी है, महबूब स्टूडियो में, तैयारी करो। पासपोर्ट है? पासपोर्ट? हाँ, आत्मा जी से हमारा लव सॉन्ग मॉरिशस में करवाएंगे। मॉरिशस? वाओ कितना मजा आएगा ना। मजा आएगा। लाइट्स कैमरा एक्शन। छुपके छुपके छुप छुप के दिल किसी का होता है, बादलों की बाहों में चांद जैसे खोता है, इश्क के नशे में दीवाना समा हो जाता है। चुपके चुपके छुप छुपके दिल किसी का होता है, बादलों की बाहों में चांद जैसे खोता है, इश्क के नशे में दीवाना समा हो जाता है। ओ, होता है होता है प्यार, होता है होता है होता है होता है प्यार हो जाता है। चुपके चुपके छुप छुपके दिल किसी का होता है,
चांद जैसे खोता है, इश्क के नशे में दीवाना सवा हो जाता है। होता है, होता है प्यार, होता है, होता है, होता है, होता है प्यार हो जाता है। दिल की इन बातों हम तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी बात में दिल आता नहीं। धड़कने कहती है, दिल की आदत है, आ जाए दिल ये किसी पे तो फिर जाता नहीं। इश्क का ये जादू है, इश्क का ये जादू है, ये जादू कौन चलाता। किसी के वादों पे, किसी की कसमों पे, खुद से भी ज्यादा हम करते हैं क्यों यकीन। यही तो चाहत है, यही इबादत है, इनके भरोसे पे ही सांस लेती है आशिकी। अब पता हमको चला, अब पता हमको चला, ये इश्क ही दिल धड़काता। आत्मा जी अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताइए। अरे साहब अनाउंसमेंट पे सारी इंडस्ट्री हिल गई है, मामूली बात नहीं है, आत्माराम छलके की फिल्म है। वहाँ पर शॉट लगेगा। यार बॉबी आखिर वो दिन आ गया। वो तो आना ही था यार। नर्वस तो नहीं हो रहा ना? नर्वस मैं? यार नर्वस तो इंडस्ट्री के बाकी सारे हीरोज हो रहे होंगे। मेकअप बॉबी जी आप टचअप करवा लीजिए, मेरी हीरोइन आ गई। सपना मैडम बेबी मेकअप, आपको तो मैंने सब सीन समझा दिया है जी। बॉबी साहब को भी समझा दिया है जी। आपको तो डायलॉग याद है ना? ऑफ कोर्स। हाँ बस बस मुहूर्त करें। बिल्कुल सर। देखें। स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लैप। हम यहाँ तुम कहाँ मुहूर्त। एक्शन। आज मेरी इज्जत उन गुंडों से बचाकर तुमने मेरा दिल जीत लिया। प्रेम के सागर में तैरने, ख्वाबों के आसमान में उड़ने और तुम्हारी बाहों में समाने मैं तैयार हूं। आज अपने दिल की बात मुझसे मत छुपाओ, कह दो, कह दो, कह दो उस दिल में जो है। बॉबी तुम्हारी लाइन है। तुम्हारा डायलॉग है। अबे बोल ना, बोल। बोलो बॉबी। माँ बाप का नाम क्या है? कुत्ते का कैरेक्टर क्या है? गधे का काम क्या है? इस देश में साला हर कोई समझता है वो एक्टर बन सकता है। लगता है अब हिंदुस्तान का फ्यूचर वापस तबेले में जाएगा। अरे क्यों हंस रहे हो तुम लोग? बेचारा इसने कोशिश तो की, जो करने आया था उसको करने की हिम्मत तो रखता है वो। सही है, कैमरा के सामने डायलॉग भूलना बहुत हिम्मत वाली बात है। तुझमें कितनी हिम्मत है ना अच्छी तरह जानती हूँ मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि प्यार की बड़ी बड़ी बातें और जब बीवी बनाना हो शादी करके तो फुस। फिर बीवी फिर शादी? ए रानी दिमाग मत खा। हाँ कौन खाना चाहता तेरा दिमाग। हट। जब भी देखो दिमाग खाती रहती है, शादी शादी शादी। भाई मैं कुछ बोलूं? बोल भाई। वो रानी जी कोई
पप्पू पेजर या हनी फलाना थोड़ी है कि आप करके बात करते हैं औरतों के साथ। ए, ऐसे प्यार से बात करनी चाहिए। अब बातें कैसे करनी है तुम दोनों सिखाओगे मुझे? भाई भाई नहीं, यही प्रॉब्लम है। आप बात बात पे बंदूक निकालते हैं, औरतों पर गोलियां नहीं फूल बरसाने चाहिए। ये सब ड्रामे वामे नहीं होंगे मुझसे? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा। ए? मेरा मतलब रानी जी ऐसे कैसे नहीं होगा। हाँ। एक बार देखिए तो सही, हम करके दिखाते हैं तुम दोनों। देखिए आप समझ लीजिए कि मैं मूसा हूँ, मूसा भाई, मूसा भाई, और लकी रानी यानी कि रानी जी आप। ये लंगूर मैं? ए, मैं रानी क्यों बनूं, तू बन। ए चुप्पे, जो मैं बोलता हूँ तू कर। बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए ना। हाँ भाई बैठिए। हाँ हाँ भाई जरा सिगरेट, एक मिनट एक मिनट। बहुत हो गई तेरी किचकिच, जब देखो ताने मारती रहती है। तू चाहे मुझे गोली मारते लेकिन सच तो ये है कि मैं वैसे भी तुझ पे मरती हूँ। मैं आज के बाद तुझे कभी नहीं डांटूंगी, मुझे माफ कर दे। हे रानी ऐसा मत कह, तू तो मेरी जान है। हाँ? अगर ताने मारती भी है हाँ? तो प्यार से। हाँ? हक है तेरा मूसा। रानी ये बस बस भाई बात समझ में आई? ठीक है ठीक है भाई, कोशिश तो कीजिए। यस। आराम से प्यार से। हाँ मैं जाऊँ? जाइए जाइए रानी जी, कोशिश तो करिए। पक्का? गुड लक गुड लक। वो मैंने झगड़ा किया, सॉरी। सॉरी तो अपन को बोलना चाहिए। मैं खाली पीली भड़कती रहती है ना तेरे पे। अरे भड़केगी कैसे, नहीं अपन बात ही ऐसा करते हैं ना। लेकिन फिर प्यार से लव सॉन्ग भी तो गाता है ना। तेरे को अपन का लव सॉन्ग पसंद है क्या? हाँ ना। चल आउट ऑफ इंडिया चलते हैं। हनीमून के लिए आउट ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा आइडिया। हनीमून? हाँ शादी के बाद तो हनीमून करना ही पड़ता है ना। देख रानी तू फिर शुरू हो गई है। तो तेरा क्या मतलब था? देख तेरा नाटक फिर शुरू हो गया ना। अरे क्या नाटक, तेरे को मालूम है अपन शादी नहीं कर सकता है। तो तू क्या समझता है कि शादी के बगैर तेरे साथ जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ट्राई तो करना। जी नहीं, शादी करनी जरूरी है, नहीं तो मैं कैसे जाएगी? अरे जब भी देखो शादी शादी शादी। और नहीं तो क्या, शादी तो करनी जरूरी होती है ना। अरे दिमाग मत खा, मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को यार। क्या कर लेगा तू, क्या कर क्या लेगा? मूसा का दिमाग घूम गया ना तो फिर। अगर मूसा का दिमाग घूम सकता है ना तो रानी का भी घूम सकता है, इतना याद रख। तानिया ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जय, जिंदगी ने रात भर जगाकर मुझे सुबह का इंतजार करने की आदत डाल दी है। मैंने सपने देखना छोड़ दिया है। तानिया तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज फर्क नहीं पड़ता लेकिन कल पड़ा तो, तब मैं क्या करूंगी? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जय तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इनफैक्ट बहुत अच्छे। वापस घर चले जाओ, अपने माँ बाप का कहना मानो और एक अच्छी लड़की से शादी कर लो। तुमने मुझसे प्यार किया, मुझसे दोस्ती की, यही मेरे लिए बहुत है। क्या हुआ, तुम लोग मुंह लटका के क्यों बैठे हो? और वो चौथा कहाँ है? पता नहीं मूसा भाई, जय बोल के गया कि एक घंटे में आएगा लेकिन चार घंटे हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा। नहीं मूसा भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ लगती नहीं है, गड़बड़ है। 7 दिन 7 लाख और आज 7वां दिन है। चलो
मूसा भाई, आप यहाँ? क्या असलम भाई, गैम्बलिंग छोड़ के किडनैपिंग? धंधा है ना मूसा भाई, हारे हैं तो चुकाना तो पड़ेगा ही। चुकाना तो पड़ेगा ही, एक और हाथ खेलो ना मेरे बच्चे के साथ। क्यों नहीं, डबल और क्विट्स। ओके। लकी, डील। एक सेकेंड। हाँ, गलती हो गई मुसा भाई, फिर से पार्ट। हिसाब बराबर। रुके क्यों? घोड़ा निकलेगा तो मूसा उठेगा। उठूं क्या? ए तुम लोग रुक क्यों गए? ए हीरो बजाना। भूख लगी हो तो असलम भाई, प्यास लगे तो असलम भाई, जब भी लगी हो असलम भाई। अपन मुंबई के भाई बन गए क्या? अरे यार उसको तो जो एल्बो, क्या फटी साले की अली भाई, एक तरफ से घोड़ा रखा दूसरे तरफ से भेजा भार। मूसा आज से तू मुंबई का भाई बन गया। मूसा भाई। क्या मूसा भाई, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। मूसा भाई, ये तुम लोग बनोगी मेरी तरह, बनोगी मेरी तरह? ये अरमानी का सूट, ये गुची के जूते, ये रोलेक्स की घड़ी,
नहीं रोगी तुम लोग। ये अरमानी का सूट नहीं, कफन पहनकर घूमता हूं मैं। ये जूतों का फायदा क्या, जिन्हें पहनकर दो कदम नहीं चल पाया अपनी छोटी बहन का कन्यादान करने। क्या ये घड़ी मुझे वो वक्त वापस लौटा सकती है जब मेरी माँ अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी? नहीं लौटा सकती। अरे मूसा तो बन गया, लेकिन एक माँ का बेटा एक बहन का भाई नहीं बन पाया। तुम लोग बनोगे मेरी तरह, हाँ? ताकि तुम चारों का पोस्टर लगे हर पुलिस स्टेशन में। अरे भागते फिरोगे तुम लोग, समझे? फिर एक दिन तुम्हारे घर में खबर जाएगी कि माँ जी तुम्हारा बेटा इनकाउंटर में मारा गया, और वो फोन मैं नहीं कर सकता। क्या बोलूंगा तुम्हारे घर वालों को कि मैं ही वो मूसा हूं जिसने तुम्हारे बेटों को मूसा बनाया? नहीं, मैं वो फोन नहीं करूंगा। अरे मेरे लिए कोई नहीं था जिसने बोला कि मूसा जा, वो साली ट्रेन ही नहीं थी मेरे लिए। लेकिन तुम लोगों की ट्रेन वो प्लेटफॉर्म पे है और तुम लोग जाओगे, समझे? लेकिन मूसा भाई, हम लोग तो मूसा भाई बनेंगे सारे। मूसा भाई, भाई सुल्तान का पता चल गया, सासुन डॉक में है साला। चलो भाई के साथ चलना। नहीं, मूसा वहां अकेले जाएगा। लेकिन भाई अकेले क्यों? अब इनके और मेरे रास्ते अलग हैं। मेरा फैसला अब तक बदला नहीं। लेकिन हमने अपना फैसला बदल लिया भाई, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको गोली मारनी है तो मार दो, हम वापस नहीं जाएंगे। मूसा को किसी की जरूरत नहीं। लेकिन हमें आपकी जरूरत है भाई। सिर्फ एक बार आप हमारी बात मान लीजिए मूसा भाई, इसके बाद आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तुम लोगों की ट्रेन कितने बजे है? 4 बजे। उससे पहले पहुंच जाएंगे। मैं नहीं बोलूंगा कोई गाड़ी से नहीं निकलेगा। चला
मेरे मुंह पे लिखा है कि मैं हूं, इसलिए नियत था कि तुम्हारे सामने खड़ा रहा कि तुम मुझे गोली मारो और फिर मेरे आदमी तुम्हारे चार पंटरों को एसी गाड़ी में बिठाकर वीटी स्टेशन तक छोड़ के आए। मैं हूं। तेरे को इनको डालने का है तो डाल दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हे, सुना तुमने? मूसा को फर्क नहीं पड़ता। मूसा को फर्क नहीं पड़ता। चला गोली, चला गोली मूसा। क्या है ना मूसा, अपने अपने धंधे में रिश्ते पालना अच्छा नहीं होता, जिंदगी की किस्तें कम हो जाती है। रिश्ते किस्ते। मैं शायर बन गया। एक 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 शेर याद आ गया। सुन सुन सुन। अच्छे लोग जल्दी ऊपर जाते हैं, अच्छे लोग जल्दी ऊपर जाते हैं, अच्छा हुआ मैं अच्छा नहीं हुआ। अच्छा हुआ मैं अच्छा नहीं हुआ। चश्मा चाहे, चश्मा चाहे। We'll be right back.
भाई मैं तो कहता हूँ एक बार फिर से सोच लो, अपन लोग जाए क्या है? क्या मूसा भाई, घर जाके वही दाले वही गेहूं बेचना पड़ेगा। और अपुन का सपना अमित जी बनने का, उसका क्या? ये मुंबई शहर है ना, सपनों का शहर है, लेकिन सपने हमेशा हकीकत नहीं होते। तो फिर मूसा भाई ये जग्गी क्यों नहीं आ रहा अपुन के साथ? मतलब इसको तो साले को यहीं डाल दूंगा। क्यों बे? क्या क्या बच्चों जैसी बात कर भाई, उठ बैठ। चलो चलो चलो, ट्रेन के जाने का टाइम हो गया, तुम लोग ज्यादा बहाने मत बनाओ। और वैसे भी तुम लोग हम दोनों को अकेला छोड़ोगे तभी तो मैं इनसे एक जरूरी बात कर सकूंगी। अभी क्या? शादी कब कर रहा है बोल। अरे कितनी बार बोला तेरे को शादी नहीं करने का ना मेरे को। और जो मैंने बोला उसका क्या, वो कभी नहीं सुनेगा तू। अरे क्या बोल रही है? और तू समझता है कि तू आएगा बार में, नोट उड़ाएगा, दारू पिएगा, गोली चलाएगा और चला जाएगा। अरे तुझे मेरी बाई बाय बाय भाई, चल बाय बाय, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, अच्छा जी बाय। चल सामान वही बाय। चल लकी, ये टाइम लकी था। प्रणाम मुसा भाई। ए हीरो क्या कर रहा है? क्या लग, अरे चलो चलो बाय बाय बाय। बोलो तो चले गए, तू है कि मेरी बात कभी सुनेगा ही नहीं। मैं बोलती जा रही हूं, बोलती जा रही हूं, बस बाय। रानी क्या है? शादी करी? शादी? दीवाने हैं हम, दीवाने हैं, मस्ती के लब पे तराने हैं, दिल जो कहेगा कर जाएंगे, कानों को हम तोड़ लाएंगे। कहता है दिल, कहता है बार बार, क्या बेकरारी से लेना मेरे यार। ला 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 ला। La 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 la